शहर में बढ़ती स्मॉग पर वजीर आला मुतहरिक हैं। वजीर आला ने काबीना कमेटी ब्राय इंसदाद स्मॉग का इजलास तलब किया है। पंजाब में सॉफ्ट स्मोक लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है रवां जुम्मा को तमाम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की तजवीज़ है, जबकि हफ्ते के रोज़ मार्केटें जिम सिनेमा थिएटर फैक्ट्रियां भी मुकम्मल करने की तजवीज़ पेश की गई है। हफ्ते को रेस्टोरेंट्स बंद करने की तजवीज़ है। टेक अवे होम डिलीवरी भी होगी। पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों को भी महदूद करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए निगरान हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि सरकारी दफातर में भी आधे मुलाजमीन काम करेंगे। जुम्मा हफ्ता को सॉफ्ट लॉकडाउन के बाद शहर में नाके लगाने की तजवीज़ है। खिलाफ कानून काम करने वाली फैक्ट्रीज को बंद और भारी जुर्मानों की भी तजवीज़ दी गई है। लाहौर में दफ़ा 144 के निफास की भी तजवीज़ दी गई है। तो शहर में बढ़ती स्मॉग के पेश नज़र ये इकदाम किए जाने हैं। वज़ीर आला मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला ने काबीना कमेटी ब्राय इंसदाद स्मॉग का इजलास तलब कर लिया। पंजाब में सॉफ्ट स्मोक लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का ऐसा भी बताना है कि रवां जुमे को तमाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की तजवीज़ है। हफ्ते के रोज़ मार्केटें जिम सिनेमा थिएटर फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ है और हफ्ते को रेस्टोरेंट्स बंद करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों को महदूद करने की तजवीज़ है। सरकारी दफातर में भी आधे मुलाजमीन काम करेंगे। ज़राए निगरान हुकूमत की जानिब से मज़ीद बताया गया है कि जुम्मे हफ्ते को सॉफ्ट लॉकडाउन के बाद शहर में नाके लगाने की तजवीज़ दी गई है। खिलाफ कानून काम करने वाली फैक्ट्रीज को बंद और भारी जुर्मानों की तजवीज़ दी गई है।